पार्टी हमेशा राज्य और देश के हित में एक जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है वो निश्चित रूप से अदा करेंगे। झारखंड के नए झारखंड के निर्माण में झारखंड के सर्वांगीण विकास सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी पार्टी अदा करेगी, ये मैं उनको विश्वास देता हूँ। सर, रणनीति चूक आप मानते हैं, सर कुछ चूक हुई है जिसका विश्लेषण करने की जरूरत है? जो असफलता अपेक्षा के अनुसार निश्चित रूप से पार्टी जो हम जिस तरह गठबंधन के तहत कांग्रेस जे एम आर जे डी ने गठबंधन बनाई थी, हम लोग ने भी इसकी गठबंधन बनी रहे क्योंकि हमारे जो सहयोगी है उनके साथ पूर्व में भी हमने सरकार चला, लेकिन गठबंधन नहीं बन पाए। और जो कारण है पार्टी के सभी प्रमुख नेता बैठ के समीक्षा हम लोग करेंगे और जो भी कमी है उन कमी को आने वाले समय में चाहे वो सांगठनिक स्तर पर हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर उनको दूर कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, हमारी राजनीति देश की सेवा राज्य की जनता की सेवा करती है। 5 वर्ष मैंने पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता की सेवा की है। आप विकास चारों कोना कहीं भी आप जाएं, चाहे वो गली गली सड़क हो, जो घर में 30 लाख घर में बिजली नहीं थी बिजली पहुंचाने तो हम ठीक है, राजनीति हम सेवा के ठीक है ना, और अभी भी सेवा करते रहेंगे बिना कोई पद एक के। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के हैसियत से इस राष्ट्र के निर्माण में इस राज्य के निर्माण में जो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राष्ट्र का उस राज्य के निर्माण में सर एनडीए के साथ नहीं जाने का नुकसान, सर डबल इंजन की सरकार की परिकल्पना थी एनडीए के साथ नहीं जाने का नुकसान हुआ क्या? जो बातें हैं उस पर निश्चित रूप से समीक्षा पार्टी कि जो हमारी आशाएं थी उस अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली। एक एक बिंदु पर पार्टी के हमारे प्रमुख नेता गहराई से आप भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेतृत्व के नाते हार हुई है, अगर चेहरा कोई और होता बदल दिया जाता तो शायद हार नहीं होती। नहीं, ऐसी बात होती तो महागठबंधन के बाद भी हमारे सहयोगी दल अलग लड़ने के बाद भी हमें जो भी सीट 26-27 सीट मिल रही है अभी कुछ छोटे मोटे सीट नहीं है। आप तो 65 की उम्मीद कर रहे थे। देखिए, जीवन में हमेशा आपको भी मैं सुझाव दूंगा अगर आगे बढ़ना तो लक्ष्य हमेशा बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लक्ष्य आगे बढ़कर हमने लक्ष्य जरूर निर्धारित की थी लेकिन उस आशाओं के अनुकूल